है धाम नगरी में। नीचे जो मिश्रा आएगा सुनिएगा सुनिएगा। न गंगा न दजला गंगा न जमुना है धाम नगरी में। न दजला गंगा न जमुना है धाम नगरी में। न दजला गंगा जरा मुस्कुराए यार। हाँ इस तरह बेदार रहिए। क्या दजला गंगा ना जमुना है धाम नगरी में। अरे रजा के फैज का दरिया है धाम नगरी में। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मतला है भाई। ये होती है शायरी। देखिए ऊपर आ रहा है दजला। सुभान अल्लाह। ऊपर आ रहा है दजला गंगा जमुना नीचे दरिया है ना। वो भी फैज का दरिया। वो भी रजा के। आए रजा के फैज का दरिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। रजा के फैज का दरिया मुजाहिद का घराना है। आए हाय। रजा के फैज का दरिया मुजाहिद का घराना है ना। वही बात हो रही है। रजा के फैज शेर ऐसा है ना। ज्यादा तशरीह नहीं की जाती है। ज्यादा तशरीह कर देंगे तो फिर वो शेर जो है ढेर हो जाएगा। इसलिए आप जहन को हाजिर रखिए कौन सा शेर आ रहा है। जहन को हाजिर रखिएगा शेर तक पहुंच जाएंगे। समझ लीजिएगा। रजा के फैज का दरिया है धाम नगरी में। रजा के फैज का दरिया है धाम नगरी में। अरे यजीद वाले यजीद वाले यहाँ घर बना नहीं सकते। साथ दो के तोर शेर पढ़ूंगा। यजीद वाले यहाँ घर बना नहीं सकते। चूके हुसैनियों का मोहल्ला है धाम नगरी। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत फैजाने गाजिये मिल्लत सरजमीने पठान महल्ला नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। शेर कैसा था। बहुत बढ़िया बहुत उम्दा था। मजा आ रहा है आपको शेर सुनने में। शेर का भी जवाब नहीं शायर का भी जवाब नहीं। मजा आ रहा है ना तो पढ़ूं और शेर। के यजीद वाले यहाँ घर बना नहीं सकते। अरे हुसैनिया का मोहल्ला है धाम नगरी में। हाँ आप भी मेरे साथ बोल लें। हुसैनियों का मोहल्ला है धाम नगरी में। हुसैनियों का मोहल्ला है धाम नगरी में। अब
एक शेर आपको और से पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हुसैनियों का मोहल्ला है धाम नगरी में, के यही पे हज़रत अब्दुल वहीद रहे, यही पे अरे यही पे हज़रत अब्दुल वहीद रहे। राजा है धाम नगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत उस बड़े खान गाजी मिल्लत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। शेर कैसा था? यही पे हजरत अब्दुल वहीद रहते हैं। पीछे वाले तैयार हैं? माशा कुछ तलवाए कराम भी लग रहे हैं, उन तलवा के वाले से एक शेर पढ़ूंगा भी मैं। यही पे हजरत अब्दुल वहीद रहे, यही पे गाजी का राजा, यही पे गाजी का राजा है धाम नगरी में, यही पे गाजी का राजा है धाम नगरी में। अच्छे माशाल्लाह। और एक शेर सुना दे, कायदे सुभान अल्लाह। अब देखता हूँ इस शेर पे कैसे नहीं बोलते हैं। बाबू तुम्हारा नाम बोल दूँ क्या? बोलेंगे सब बोलेंगे। सुनाता हूँ शेर, सुना दीजिएगा। यही पे गाजी का राजा है धाम नगरी में, के वो जिसको साहिब सजाना, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उलमाए कराम हजरत मुफ्ती शहरयार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय माशाल्लाह, हाय हाय हाय। अल्लामा शहरयार साहब किला अल्हम्दुलिल्लाह बनफ्से नफीस आन बान शान के साथ तशरीफ फरमा हो चुके हैं मिंबर शरीफ पर अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाइए आप, हाँ बैठ जाइए। और हुजूर हबीब मिल्लत भी इंशाल्लाह कुछ ही देर में तशरीफ ले आएंगे, बस आने वाले हैं, उनकी भी ज़्यारत होगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी उधर पिछले दो रातें भी हजरत के साथ ही मैं था, एक कलकत्ता तरफ था और एक कांथी तरफ था जी, हजरत के साथ ही मैं आया हूँ, उन्हीं के साथ, उनके पीछे पीछे उनके गाड़ी में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाता हूँ शेर, सुनिएगा। रजा के फैज़ का दरिया है धाम नगरी में, के यही पे हज़रत अब्दुल वहीद रहते हैं, यही पे हज़रत अब्दुल वहीद रहते हैं। गाजी का राजा है धाम नगरी में, यही पे गाजी का राजा है धाम नगरी, सुभान अल्लाह, में यही पे गाजी का राजा।
धाम नगरी में। आप सुनाता हूँ शेर, समाज कीजिएगा, सुनिएगा साधु, सुनिए शेर। यही पे गाजी का राजा है धाम नगरी में, के वो जिसको साहिब सजादा लोग कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। खामोश बैठ जाओगे। वो जिसको साहिब सजादा लोग कहते हैं, वो जिसको साहिब सजादा लोग कहते हैं। अरे वो कोहिनूर का हीरा है धाम नगरी में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। वो जिसको साहिब सजादा लोग कहते हैं, वो कोहिनूर का हीरा है धाम नगरी में। रजा के फैज़ का दरिया है धाम नगरी, धाम नगरी में। और एक शेर, हजरत मौजूद है, हजरत की दुआएं लेते हुए एक शेर सुनाता हूँ, मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब तक जिंदा रहिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे जी, और दुआ कीजिए यही सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रसूल अल्लाह कहते कहते मौत आ जाए, याद रखे आप, कहते रहिए। धाम नगरी में के जहां मुजाहिद मिल्लत नमाज पढ़े, जहां मुजाहिद मिल्लत नमाज पढ़ते थे, जहां मुजाहिद मिल्लत नमाज पढ़ते थे, अभी भी बाकी वो हुजरा है धाम नगरी में। मोहल्ला है धाम नगरी में, हुसैनियों का मोहल्ला है धाम नगरी में। और एक शेर कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आपने सुना, सुन के सबका दिल बाग बाग हो गया कि हुजूर कायदे मिल्लत यहाँ तशरीफ ला रहे हैं जी, है ना, सबका दिल बाग बाग हो गया। एक शेर हजरत मौजूद है, सुनाता हूँ, समझ लीजिएगा। हुसैनियों का मोहल्ला है धाम नगरी में, के मुनाफिकों की यहाँ दाल गल नहीं सकती, मुनाफिकों की यहाँ दाल गल नहीं सकती, मुनाफिकों की यहाँ दाल गल नहीं सकती। शहे बरेली, शहे बरेली, शहे बरेली
का पहरा है धाम नगर। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई एक दीवाना खड़ा करना है, एक दीवाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। हम नगरी में हुसैनियों का मोहल्ला है धाम नगरी में। चूंकि मैंने कहा था कि मनकबत का शेर पढ़ूंगा, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया, हजरत भी बैठ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ही देर में हजरत का खिताब होगा, और ऐसा नहीं है कि अभी मैं पढ़ूंगा उसके बाद फिर जब नादखानी हो जाएगी और आप उठ के जाने लगेंगे। अगर जाने लगेंगे फिर आप लोग सुनेंगे। हाँ, ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। मैं भी इसकी तायद नहीं करता हूँ कि आप सिर्फ नाथ शरीफ विराद भर सुनने के लिए बैठे, और जब अच्छी बात बताने का वक्त आए तकरीर के जरिए, और इतने बड़े खतीब अल्हम्दुलिल्लाह, इतने बड़े खतीब जिनका वक्त नहीं मिलता है, सुन लीजिए, तारीख नहीं मिलती आज के ज़माने में, आज के दौर में हजरत की तारीख लेना बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की उम्र में अल्लाह दराजगी अता फरमाई, आमीन आमीन, तारीख दे दी है, बहुत बड़ी बात है, बहुत कीमती लोग हैं ये। याद रखिए आप, लोग हल्के में लेते हैं माज़ अल्लाह, कभी नहीं। ऐसा नहीं कि नदीम को सुने, नूरी को सुने, हो गया आप चलो, नहीं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। नाद शरीफ सुन के भाग जाना, जिस वक्त सुनने का वक्त होता है, अभी का दौर क्या है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, आप सब कुछ देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के बाहर क्या हो रहा है, और हमारे नौजवान सिर्फ नाथ शरीफ सुन के चले जाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि आप लोग अपनी किस्मत पे मातम कीजिए कि अच्छी तकरीर जब सुनने का वक्त होता है तो आप निकल लेते हैं। नहीं, नाथ भी सुनिए और तकरीर ज्यादा सुनिए। नाथ शरीफ अभी के वक्त में कम सुनिए और तकरीर ज्यादा सुनिए। हजरत आ चुके हैं, चूंकि मैंने पढ़ना था।